चलो बच्चों, अगेन बच्चों, सबको वेरी गुड इवनिंग बच्चों। एंड गुड इवनिंग, यस, अगेन बैक टू द क्लास बच्चों। वेरी गुड इवनिंग बच्चा। हाय रश्मि, हाय गीता, जितने मेरे स्क्रीन देख रहे हैं, हाय प्रिशु, हाय वंश, सबको वेरी गुड इवनिंग। और बाकी अदर 49 बच्चे है ना, तो यस। सो अभी क्या है बच्चों, अभी ना, अभी हमें ना क्लास को, आप सोचो कि ये आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, बिकॉज बच्चों हमने बहुत सारा टॉपिक, हमने उसको प्रॉपर रिवाइज कर लिया। अब देख बच्चों, जो जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम रिलेटेड बच्चों, हम उसको आज प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। अब देख बच्चों, सबसे पहले जब भी आप एक चैप्टर ओपन करो, देखो मैंने आपको नोट्स भी सेंड किए, राइट, मैंने आपको यस शॉर्ट भी सर। सेंड किए, राइट ना। तो जब भी आप इस चैप्टर रिवाइज करो बच्चों, सबसे पहला काम के बच्चों, सबसे पहले आपको पढ़ना है टेबल्स। आपको सबसे पहले टेबल्स पढ़ना है, जितने भी टेबल्स को पढ़ना बच्चों। देन आपका ये टेबल जो आपका ब्रेविस सेटर टेबल है, जैसे ये आपका पार्ट है, ये जो पर बच्चों, ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं हमेशा। तो ये आप पढ़ना है बच्चों, टेबल पढ़ लिया। ओके, फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो ये भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था, जो मेन पॉइंट वो बताया था बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आपको याद करना है, तो ये भी हमारा पार्ट हो गया था। ओके, देन आपने 2D पैकिंग के बारे में पढ़ाई किया, ये हो गया था हमारा पार्ट। देन आपका स्क्वायर के बारे में पढ़ा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ा बच्चों, तो ये पार्ट भी हमारा हो चुका था बच्चों। देन आपका हेक्सागन कोर्स पैकिंग के बारे में बच्चों, ये आपका 2D वाला पार्ट है, इसे आपके 2D है, ये भी हमने पढ़ा। देन यस हमने ये पार्ट बच्चों, मैंने आपको ये बोला बच्चों कि ये जो लास्ट का जो पॉइंट्स लिखा गया बच्चों, इसको आपको खास करके प्रॉपरली इसको नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जा सकता है। आपको एग्जाम क्या पूछे बच्चों, कि आपका हेक्सागन क्लोज स्टैक में और आपका क्यूबिक क्लोज स्टैक में आपका किस टाइप का लेयर बनता है। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा था जो आपका हेक्सागन पर, उसमें आपका क्या बनता है, इसमें आपका ए बी बनता है, और क्यूबिक में आपका ए बी सी पैटर्न बनता है। तो ये पार्ट हमने प्रॉपरली पढ़ाई किया था, राइट, ये हमने प्रॉपर पढ़ाई किया था। आगे बढ़ो। यस फिर मैंने आपको ये पैकिंग के बारे में बताया कि एबीसी पैकिंग कैसे होता है और आपका एबीसी पैकिंग कैसा होता है। तो ये हमने प्रॉपरली उस टाइम रिवाइज किया भी था, तो यहाँ पे किसी बच्चों डाउट नहीं था, तो सिंपल पार्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। फिर हम बात करते हैं वर्ड्स के बारे में। फिर हमने बात किया था वर्ड्स के बारे में, तो मैंने वहां पे आपको ये बोला था बच्चों कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज अगर आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड, अगर आपका कितना बच्चों, अगर आपका वो एन है, तो आपका टेट्राहेड्रल वो कितना होगा बच्चों, ये कितना होगा, टू ये एन हो के आपका। बाद और मैंने ये बोला बच्चों इससे कोऑर्डिनेशन कितना बच्चों, इससे कोऑर्डिनेशन 4 है, और आपको ये टू फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, यस सर, मैंने कहा यस था। सर, देन मैंने आपको ये बोला कि आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी पढ़ना बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में ये फॉर्मूला आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, और इसका आपका कोऑर्डिनेशन इसका पता होना चाहिए। हरमन बच्चा, आप अपना माइक थोड़ा सा ऑफ कर लो, इसका डिस्टरबेंस, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, मैंने म्यूट कर दिया। तो ये पार्ट हमने प्रॉपरली पढ़ा बच्चा, ये पार्ट हमने प्रॉपरली पढ़ा किया था। यस सर, और मैंने आपको ये बोला कि जो आपका ऑक्टेव ये क्या कैसे बनता है, ये आपका 6 पेयर से बनता है, एक 3 स्पेयर आपको ऊपर से आता है, 3 स्पेयर आपका नीचे से आता है, तो वहां पे आपका ऑक्टा हाइड्रल वर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ने बोला बच्चों, है ना। तो यहाँ से हमारा इतना पार्ट हो गया खत्म। देन में पढ़ा था यस आपके सर, बारे में, पढ़ा था आपका पैकिंग के बारे में, पढ़ा था पैकिंग। मैंने आपको ये बोला बच्चों कि आपको सबसे क्या पता होना चाहिए बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, आर क्या होता है और आपका ए क्या होता है। ए होता है आपका एज लेंथ, एंड आर होता है आपका रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ रेडियस स्फीयर, ऑफ स्फीयर होता है। और मैं आपको ये बोलता हूँ जो आपका फेस सेंटर है उसमें कितने एटम होते हैं बच्चों, उसमें आपका 4 एटम होते हैं, और आपका SCP बोलो या आपका CC बोलो, उसमें कितना होता है, उसमें आपका अगेन आपका 4 एटम प्रेजेंट होते हैं। चलो और मैंने आपको ये बोलता है इसको आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना ही है, ये आपको होना चाहिए। देन यस सर, मैंने आपको इसके पैकिंग के बारे में पढ़ाई किया, देन हमने इसके पैकिंग के बारे में पढ़ाई किया था, तो ये पार्ट भी हमारा हो चुका था बच्चों। देन मैंने आपको ये बोला जो आपका बॉडी सेंटर्ड वाला पार्ट है, तो बॉडी सेंटर में हमने क्या देखा बच्चों, हमने क्या देखा था, अगेन ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये बोला बच्चों जो आपका बॉडी सेंटर है उसमें आपका
एक यूनिट से में आपका दो उसमें आपका एक एक यूनिट से आपका दो एटम्स है, ये आपको पता होना ही चाहिए सबसे बच्चे लोग। और उसका पैकिंग के बारे में पढ़ाई के बच्चों, फिर हमने बात किया आपका सिंपल क्यू के बारे में। तो ये तो बहुत ही सिंपल था बच्चों, ये क्या होता है, ये आपका टू आर के बारे में होता है और आपका ये पैकिंग के बारे में बताया था बच्चों। तो ये सब आपको मैंने बताया। दूसरा पार्ट मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैंने आपको ये बोला कि आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या बोलता बच्चों, मैंने बोलता आपका जमना है ना, दैट इज ज म और ये एन ए, और क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम क्या होता बच्चों, ये होता आपका एक बराबर होता। तो ये पार्ट मैंने आपको बोला था, करने के लिए बोला था, राइट। कितना पार्ट? यस सर। यस सर। तो ये अल पढ़ा गया बच्चों, ये हमने डेंसिटी पढ़ा बच्चों, है ना। फिर हम ये जो पार्ट है बच्चों रिड्यूसेबल पार्ट, मैं खाली आपको ये बोला कि जो आपका ये पार्ट है, जो आपका दैट इज टेट्राहेड्रल और आपका ऑक्टाहेड्रल आपको प्रॉपरली पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको ये कहा था बच्चों। देन मैंने आपको ये बोला कि जो आपका फ्लोराइड है इसको आप पढ़ लो बच्चों, है ना। देन आपका एंटीफाइड पढ़ लो और आपके, हाँ तो मैं बोलूँ बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेशन बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए बच्चों, ये मैंने आपको कहा था। हाँ है ना बच्चों, इससे yes, sir. Yes, sir. और yes, sir. हमने कहते हैं बच्चों देखो ये जो आपका इनिशियल पार्ट है और आपका ये क्या बच्चों, ये आपका एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अब क्या हो जाता है बच्चों, अब क्या हो जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। कहाँ से बच्चों, फ्लोराइड और आपका एंटीफ्लोराइड के बारे में। और मैं आपको ये बोलता बच्चों कि प्रेशर बढ़ा से क्या होगा बच्चों, आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और क्या रहता है, जब हीट करते हैं आपका कोऑर्डिनेशन घटता है, बिकॉज सबके मोड दूर चले जाते हैं। तो ये हमने उसको प्रॉपरली पढ़ा था, हाँ है ना बच्चों, ये हमने पढ़ा था। यस सर। यस सर। ओके। फिर हमने सारे डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा बच्चों, ये तो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने इसके बारे में पढ़ा बच्चों। देन हमने एजीबीआर के बारे में पढ़ा कि इसमें आपको दोनों टाइप होता है बच्चों, ये आपका स्कॉटकी शो करता है, आपका फ्रैंकल शो करता है। ये सब पार्ट हमने प्रॉपरली पढ़ाई किया था आपके लास्ट क्लास के अंदर। यस सर। यस। देन मैंने आपको बोला एब्सेंटर के बारे में बोला बच्चों, देन आपका मेटल डेफिशिएंसी के बारे में बोला बच्चों, है ना। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आता है, वो भी मैंने आपको बताया था, है ना, बताया था ना बच्चों। यस सर। तो ये पूरा पार्ट, तो ये पूरा पार्ट हमने, ये सारा पार्ट हमने प्रॉपरली पढ़ाई कर लिया। तो आप समझो बच्चों, हमने पूरा पार्ट अगेन एंटायर पीटअप बोलता बच्चों पढ़ने के लिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यस सर। फिर मैंने बोला था आपको ये अलाइनमेंट्स, फिर मैं बोलता कि अलाइनमेंट्स आपको प्रॉपरली पढ़ना है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है, ठीक है ना। अब देखो, फिर हमने आपका लोकेशन वर्ड्स के बारे में पढ़ा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लोकेशन वर्ड्स के बारे में, है ना। हमने कह दिया बच्चों कि आपका जो डायगोनल है, आपका एक डायगोनल आपका दो आपका टेट्राहेड्रल होते हैं और आपका एक क्यूब के अंदर आपका चार डायगोनल होता है बच्चों, तो आपको कितना यहाँ पे आपका आठ बॉडी सेंटर में आता है और बाकी कहाँ पे आता है बच्चों, बारह आपका आता है एच के अंदर, बारह आपका आता है एच के अंदर आता है, तो टोटल आपका चार आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड फॉर्म होता है। तो ये सारे पॉइंट हमने प्रॉपरली खत्म किया था, हमने एग्जांपल्स भी किया था बच्चों, हाँ या ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो एग्जांपल्स करने बाद बच्चों क्या किसी बच्चों को एग्जांपल को डाउट था, पहले वो मुझे बताओ। नो सर। ओके, नहीं। नो सर। अब देख बच्चों, आज है ना हम कुछ पॉइंट्स हैं ना आपको हम नोट करेंगे, उसका ध्यान समझना। अब देखो ये पार्ट हमने टेट्रा वर्ड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके बच्चों, है ना। अब यहाँ पे क्या बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है बच्चों, द पोजिशन और द डिस्टेंस ऑफ एवरी कॉर्नर, कि आपका अगर आपका एक कॉर्नर है, अगर आपका एक कॉर्नर है तो कॉर्नर से आपका पहला जो आपका टेटर्ड वर्ड्स होगा उसका डिस्टेंस क्या आएगा। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका ए रूट थ्री बाई फोर। तो ये क्या बच्चों, इसको आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है, समझ में प्यारे बच्चों, हाँ या ना। तो अगेन बोलो, इस सेल पार्ट आपको नोट डाउन करना है,
और मैंने ये सारे नोट्स आपको मैंने ग्रुप पे सेंड कर चुका, ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। यस सर। यस सर। फिर मैंने आपको ये बोला, फिर मैंने बोला आपका ऑक्टेट वर्ड्स के बारे में। ऑक्टेट कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? ये आपका बॉडी सेंटर प्रेजेंट होता है और आपका एज में होता है। बॉडी सेंटर में आपका एक आएगा और आपका 12 एज होगा और 12 एज में एक वर्ड होगा, लेकिन कैसे बच्चों? ये आपका 1/4 शेयरिंग होता है। तो यहाँ कितना, यहाँ पे आपका टोटल 4 आपका ऑक्टेट वर्ड आ गया। अब ये बात करते हैं क्यूबिक के बारे में। तो क्यूबिक में क्या करें बच्चों, इसमें भी क्या आपको यह ध्यान रखना है, ये वर्ड कहाँ पर होता है? आपका बॉडी सेंटर में होता है। और ये बनता कैसे बच्चों, जब आपका 8 स्क्वायर पास में हो तो क्या होगा, वहां पे आपका क्यूबिक वर्ड बनेगा। ठीक है बच्चों? तो ये जो फॉर्मूला बोला था, दैट्स आर इक्वल टू 0.732 आर, ये आपका रेडिएशन में पढ़ा गया था बच्चों। तो ये जो टर्म्स है बच्चों, ये आपको पता होना ही चाहिए। डन में पेरे बच्चों? हाँ या ना? यस यस। ओके, तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, जो हमने आपका किसलिए पढ़ाया किया था बच्चों, अभी जो पॉइंट्स बोलूंगा बच्चों, वो पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। ठीक है, वो पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना है। अभी जो बता रहा ध्यान समझो बच्चों, ध्यान समझो मैं क्या बता रहा हूँ। आप हमेशा ध्यान बच्चों देखो, अगर आपका क्या होता है, अगर आपका कंपाउंड है, अगर आपका वो आने कंपाउंड बच्चों, जो आपका अनन होता है वो कहाँ पर जाता है बच्चों? ये जाता है आपका लटाइस, ये आपका लटाइस सिस्टम में जाता है, मतलब वहां बैठता है। और जो होता है, जो आपका क्या होता है, कटाइन होता है, वो कहाँ पर जाता है बच्चों? ये जाता है आपका वॉइड्स में, ये आपका वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या बच्चों, जो आपका आयरन कहाँ पर जाता है, ये आपका लैटिस पॉइंट में आता है, और कटाइन कहाँ पर जाता है बच्चों, वो आपका वॉइड्स में आता है बच्चों। अभी कटाइन वॉइड में क्यों जाता है बच्चों? इसका रीजन क्या है बच्चों? बिकॉज इसका साइज क्या बच्चों? इसका साइज कैसा है? इसका स्मॉल साइज है, इससे क्या होता है बच्चों? वो आपका वॉइड्स में जाके आपका अटक जाता है। डन में पे बच्चों, इतना आपको अभी क्या है बच्चों, अभी नाम है ना, न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, तो हम उसमें और अच्छे से बताऊंगा एक क्वेश्चन आपको कैसे करना है। यस सर। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट आपको नोट करना बच्चों, क्या बोले बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन टू नेबर्स एटम्स के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूँ, रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका ए बाय टू। इसलिए आएगा बच्चों, ये आएगा आपका NaCl, ये आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट है। डन में पे बच्चा? यस 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 सर। फिर हम बात करते हैं ZnS के बारे में। तो आपका ZnS क्या बोलते बच्चों? हम इसे बोलते हैं क्या बोलते बच्चों? हम इसे बोलते हैं जिंक ब्लेंड। अभी जिंक ब्लेंड क्या है बच्चों? क्या आएगा बच्चों? जो आपका रेडियस ऑफ कटाइन होगा प्लस रेडियस ऑफ, कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका ए रूट 3/4। तो ये जो बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना है। इसलिए बच्चों ये है आपका ZnS है, जिंक सल्फाइड, दैट इज जिंक ब्लेंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा, देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे लिखा है देखो, दैट इज H2-। अब H2- क्या होता है बच्चों? ये आपका एनायन है। ये क्या बच्चों? ये आपका एनायन है। एनायन कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा है? ये ऑक्यूपाई कर आपका मेन पोर्शन। अब मेन पोर्शन क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका लटाइस पॉइंट, ये होता है आपका लटाइस पॉइंट होता है। और यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? यहाँ पे लिखा आपका Zn2+। अब ये कहाँ पर जाए बच्चों? मैं क्या बोलता, कटा जाता आपका वर्ड्स में। कटा कहाँ पर जाएगा बच्चों? ये आपका जाता है वर्ड्स में जाता है। समझ मारा बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये सारी चीज बच्चों आपको प्रॉपरली समझना है, कौन सा कटा कहाँ पर जाएगा और एनायन कहाँ पर जाएगा। ओके फाइन, फिर आगे बढ़ते बच्चों। अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, ये थोड़ा आपका मिस्टेक है, मैं आपको ना क्लैरिफाई करके प्रॉपरली बताऊंगा। अब हम इसके बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है आपका एंटी फ्लोरेट स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है बच्चों? इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका सोडियम ऑक्साइड, दैट इज अल्किल ऑक्साइड आता है बच्चों। यहाँ पे उसका क्या बना बच्चों? दैट इज रेडियस ऑफ लिथियम प्लस बच्चों, ये जरा आपका ए रूट 3/4। तो ये बच्चों आपको प्रॉपरली पता होना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ से क्या होता है बच्चों, एग्जाम में आपको इफेक्चुअल से अगर पता है तो आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आंसर आएगा। ठीक है सारे बच्चे? डन। यस सर। यस सर। यस सर।
तो ये ऐसा आपको बच्चों प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करना है, बहुत सिंपल है, आपको इतना हार्ड नहीं है। डन, ओके, यस सर। अब देखो ये बच्चा आपका लास्ट पार्ट, ये पार्ट के बच्चों ये आप ये देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, याद है बच्चों? हाँ या ना? ये जो है ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, दैट इज CSCl। इसका क्या 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 बच्चों, ये आपका बॉडी सेंटर लैटिस बनाता है, कोऑर्डिनेशन बच्चों ये आपका एट एट बनाता है, और आपका रेडियस ऑफ कटर कितना है बच्चों, ये आ रहा आपका ए रूट थ्री बाय टू। तो ये आपको बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है? ये जो नोट्स है बच्चों, इसको आपको प्रॉपरली बनाना ये। इतना पार्ट बच्चों सब कर लिया तो मैं गेंट बोलता आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने समझे सारे बच्चे? हाँ या ना? यस सर। अब देखो बच्चों, अभी है ना आपका जो आपका एंट्रेंस का 7-8 क्वेश्चन है बच्चों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों? डन, हो गया। यस सर। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2020 में। मैं चाहता हूँ बच्चों सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ट्राई करो बच्चों, कम ऑन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके प्रिशु पढ़ो बच्चा। यस सर। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल विद द एज ए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन द क्रिस्टल लैटिस इज। ओके, तो वेदे ने पहले ही आंसर बता दिया कि उन्होंने बोल दिया कि ऑप्शन सी। अभी ऑप्शन सी आता कैसे बच्चों, हम उसको हम देखते हैं, हम उसको अभी प्रॉपरली देखते हैं बच्चों। देखो ऐसे मान के चलो बच्चों, ये मैंने क्या बनाया बच्चों, ये मैंने एक फेस बनाया, ये मैंने एक फेस बनाया। देखो अब क्या बोलो बच्चों, ये क्या बोला है, ये बोला है सेलेज, मतलब पूरा किनारा है, ये पूरा किनारा कितना बच्चों, कितना है बच्चों, ये आप ए है, हाँ या ना? है ना? ए है। अब देखो अब मुझे ये बता बच्चों, जो आपका ऑक्टाहेड्रल वुड होता है किसमें बच्चों, आपका जो फेस सेंटर्ड है उसमें आपका ऑक्टा कहाँ पे आता है, तो एज में आता है, तो एज में क्या एज के सेंटर में, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑक्टाहेड्रल वुड बनेगा। अगर आपका पूरा ए है तो बीच वाला कितना होगा बच्चों, ये होगा आपका ए बाय टू होगा बच्चा, हाँ या ना? अगर ये पूरा आपका एज है तो क्या होगा बच्चों, ये क्या बना, ये बना आपका ऑक्टाहेड्रल वुड बना, ये क्या हो चुका, ये होगा, ये भी आपका a by 2 होगा। अब क्या बोला बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो क्या होगा बच्चों, ऐसा बनेगा, ये क्या हो चुका, ये होगा आपका नियरेस्ट पॉइंट, ये उसका होगा नियरेस्ट डिस्टेंस, क्या बना, ये बना आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, आपको निकालना है x, आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू a by 2 का होल स्क्वायर, दैट इज अप्लाइंग द पाइथागोरस फॉर्मूला प्लस ए बाय टू का होल स्क्वायर, क्या आंसर है बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय फोर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर, क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर बाय फोर, दैट इज टू वन जा टू टू जा, तो एक्स स्क्वायर कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर आ गया आपका ए स्क्वायर बाय टू, आपको निकालना क्या बच्चों, आपको निकालना एक्स, तो एक्स आए बच्चों, एक्स आ जाएगा आपका ए बाय रूट टू, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे हमने यहाँ पे किया, सारे बच्चे। यस सर। यस सर। हाँ वैदे वैदे पूछो बच्चा। सर जैसे आपने दो फेस के सेंटर में से निकाला है, तो एक फेस के सेंटर और उसके कॉर्नर का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते, पर अभी जरूरत नहीं बच्चा, बिकॉज देखो होता क्या बच्चों, देखो जो आपका ट्रेंड्स है ना, जो आपका एग्जाम, देखो अब देखो सिंपल सी बात है, आपका इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने वाला है, राइट, एक क्वेश्चन आने वाला है, अगर आप सारा चीज पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपका रिविजन में टाइम ज्यादा लगेगा। तो मेरा मेन मोटिव क्या है बच्चों, जितना आपका प्रीवियस क्वेश्चन आता है बच्चों, आप खाली उतना कोर्क करो बच्चों। जैसे अभी आपके बोल रहे हो, अभी आप बोल रहे हो सेंट्रल पार्ट है ना, सेंटर में एक वर्ड आता है कि नहीं? यस सर। तो आप उसके बात कर रहे हो, आप है ना उसकी बात कर रहे हो, तो उसके बारे में बच्चों, ये आपका नेबरेस्ट, ये देखो ये जो होगा ये आपका सबसे नेबरेस्ट होगा, तो ये आपका ए बाय रूट टू आता है, ठीक है ना? अगर आपको एग्जाम में से क्वेश्चन दिखाई दिया तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको करनी जरूरत नहीं,
अभी खाली आप इतना पढ़ो। अब देखो बच्चों, जैसे आपको पता चल गया कि सेंटर बिट कितना बच कितना आता है, ये आता है आपका ए बाय रूट टू आता है। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ये क्वेश्चन दिखाई दे ना बच्चा, आप डायरेक्ट टिक मार्क करना, ठीक है? ध्यान रखना बच्चों, क्या बोला बच्चों, ये बोला आपका ऑक्टाहाइड्रल, ये आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड क्या बोला गया, समझे बच्चों? हाँ या ना? आगे बढ़ सकते बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। अब देखो अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका फैक्चुअल। अब क्या बोला गया बच्चों, दैट इज एक्स मेल्ट एट लो टेम्परेचर एंड इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो इसमें क्या आया बच्चों, इसमें आंसर आता आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और कैसा बच्चों, कैसा ये आपका नॉन पोलर है। क्वेश्चन कहां से आया बच्चों, ये आ गया आपका टेबल में से, राइट? याद है बच्चों, जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे वहां से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? तो जो इंपॉर्टेंट आपको वो करा रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो, अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा था आपका 2020 में। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया आपका 2019 में, ये पूछा गया 2019 में। पूरा क्वेश्चन सेम है बच्चों, पूरा क्वेश्चन सेम है। अब क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू नियरेस्ट टेट्राहाइड्रल वर्ड। जो आपका नियरेस्ट टेट्रा वर्ड है उसका डिस्टेंस आपको निकालना है बच्चों, समझे बच्चों? आपको नियरेस्ट टेट्राहाइड्रल वर्ड निकालना है। तो होता क्या बच्चों, इसका आंसर आता आपका, इसका आंसर आता आपका ए बाय टू, इसका आंसर आता है कितना था बच्चों, आता इसका ए बाय टू। अब देखो सिंपल सी बात है, तो देखो जो आपका ऑक्टाहाइड्रल वर्ड कहाँ पर आता है बच्चों, ये आपका डायगनल में आता है। इससे मान के चलो ये मैंने आपका एक बनाया ऐसा, ये क्या बना, ये आपका डायगनल बना, ये आपका डायगनल बना, क्या हो बच्चों? डायगनल में इस पार्ट में एक वर्ड बना और आपका इस पार्ट में एक वर्ड बना, हाँ या ना बच्चों? यस या नो? अब देखो, अब इसको आप डिराइव कैसे करो बच्चों, ये होगा आपका होमवर्क। इसको डिराइव कैसे करो बच्चों, ये होगा आपका होमवर्क। सिंपल है, आपका आ जाएगा, थोड़ा सा मैथ्स है, आपको आराम से आ जाएगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? यस सर। तो बच्चों क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब देखो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन है ना सारे बच्चे ट्राई करेंगे। मैं आपको है ना 2 से 3 मिनट का टाइम देता हूँ, आप है ना सारे बच्चे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो हर एक पार्ट को पढ़ के समझना है कि कहाँ से क्या आ रहा है, बी कहाँ पर है, ए कहाँ पर है और ऑक्सीजन कहाँ पर है, वो ध्यान समझो और आपका आंसर आ जाएगा। कौन कर रहा है क्वेश्चन, कर रहे हो बच्चों? यस सर। ओके हाँ करिश्मा बोलो। ओके हाँ सारे बच्चे करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा हम कैसे करते हैं सिंपल फॉर्म से, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? वैद्य ने बोला कि ऑप्शन ए, वैद्य ने बोला ऑप्शन ए के बारे में, वैद्य बोल रहे ऑप्शन है, कृष्ण बोल रहे ऑप्शन है, चेक करते हैं आंसर कैसा आएगा। करें स्टार्ट करें बच्चों, कौन बच्चा कर रहा है, एक बार ट्राई दो कैसे। देखो अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चन भी आप आराम से कर लोगे। देखो सबसे पहले क्या बोला गया बच्चों, ये बोला गया जो बी है क्लियर बच्चों, ये ऑक्यूपाई कर रहा है आपका सीसीपी। तो एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। अब सीसीपी कितना होता है बच्चों, कितना होता है, इसमें होता है आपका
चार एटम, अरे चार एटम होता है ना सीसीबी में, सीसीबी में कितने एटम है, चार एटम होता है ना सीसी में, चार एटम होता है। अब देखो, अब बोला ए के बारे में, ए के बारे में बच्चों, ए ऑक्यूपाई द हाफ ऑफ ऑक्टेट वर्ड्स। अब मुझे बताओ सीसीपी के अंदर आपका ऑक्टेट कितना है, कितना होता है ऑक्टेट होगा, ये होगा फोर होता है आपका ऑक्टेट होगा, और क्या बोला, ये बोला आपका हाफ, तो ये होगा आपका वन बाई टू, ये होगा आपका वन बाई टू। अभी बोला आपका, अभी बोला ऑक्सीजन के बारे में, आप क्या बोल बच्चो, ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अभी आपका एफसीसी के अंदर है ना, अभी आपका एफसीसी के अंदर सी बोलो कोई बोलो, उसमें आपका टेट्राहेड्रल कितना होता है बच्चों, कितना होता है, ये आपका होता है एट, वन जार, ये टू जार, क्या बना फॉर्मूला ऐसा बना, दैट इज ए टू बी फोर ओ एट। अब चेक करो क्या ये क्वेश्चन ऑप्शन है, इसको सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई करो, बस क्या करो डिवाइड बाय टू कर दो सारे स्टोइकोमेट्रिक को, ए बी टू ओ फोर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझे, बस समझे सारे बच्चे कैसे हमने किया? यस सर, यस सर। थोड़ा संदीप थोड़ा धीरे बोल रहे ना, ओके चलो। हाँ प्रिशु समझ में आ रहा है, प्रिशु हरी गीतांश वेदही बाकी सारे बच्चे, ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाँ अब ये क्वेश्चन आ गया बच्चों डेंसिटी वाला पार्ट, अब ये क्वेश्चन आ गया डेंसिटी पार्ट से, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों डेंसिटी का, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज डेंसिटी इक्वल टू जेड एम ए एन ए क्यूब। अब देखो यहाँ पे आपको समझने के बच्चों, आपको ये समझना है बच्चों कि सबका यूनिट सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा आपका मीटर क्यूब, तो आपको यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ दिया आपका पिकोमीटर, क्या बोला बच्चों, ये लिखा आपका एज लेंथ, मतलब ए, ए क्या बोला बच्चों, ये ऐसा बोला है दैट इज 200 रूट टू पिकोमीटर। अब पिकोमीटर कितना होता है बच्चों, -12। अब देखो इसको और सिंपलीफाई कैसे करें बताओ, जितना देखो अगर एक क्वेश्चन जेड पूछा गया है तो जेड वाले ये चाहते हैं कि देखो कैलकुलेटर तो नहीं है लेकिन आपको सिंपलीफाई करना आना चाहिए। देखो 200 में से तो बच्चों से लिखता हूं 2 × 10^2 ऐसे लिखूंगा बच्चों, तो इसको मैं से बच्चों देखो 2√2 × 10^2 × 10^-12 मीटर, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका -10 मीटर आ जाएगा, है या ना, होगा yes, और ये दे yes, ये दे देगा आपका हो गया नंबर। अब बोला क्या बच्चों, बोला गया आपका फेस सेंटर क्यूब है, कितना होगा जेड, होगा आपका 4, जेड आएगा आपका 4 आएगा। अब बताओ बच्चों, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसके आंसर क्या बताओ सर। थैंक यू, सिंपल क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर स्टिल आपको करना आना चाहिए। देखो आपको है ना सिंपलीफाई करना आना चाहिए, आपको पावर का ध्यान रखना बच्चों, पावर का हटाना कब है बढ़ाना कब है वो पता था, वो पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है, डन। ओके सारे बच्चे सॉल्व करेंगे बच्चों। हाँ अभी बोलूंगा, अभी मैं आपको ये बोलूंगा बच्चों, फॉर द टाइम के लिए बच्चों आप है ना अपना कैलकुलेटर यूज करते हो, आप है ना अपना कैलकुलेटर यूज करो, आपका आप निकालेंगे बच्चों, आपको निकालना एम, निकालना है एम जो है आपका मोलर मास या मोलिकुलर मास। निकालो बच्चों, आ रहा है कि नहीं, अरे भाई सो तो नहीं है, कर रहे हो ना, यस सर, ओके ओके करो करो, यस सर करो बच्चों, करो वैल्यू को पुट करो और ट्राई करो कि आप कैलकुलेटर बहुत कम यूज करो। देखो
मैं कैसे कह रहा हूँ बताओ, डेंसिटी क्या 9 दिया है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4 इंटू एम अपॉन। अब ये क्या बच्चों, ये आपका ए आ गया, ये पूरा आपका जन, तो कैसे लिखते बच्चों, 2√2 पावर क्यूब इंटू 10 टू माइनस 10 इंटू 3 होगा बच्चों, बिकॉज पूरा एल पार्ट आ गया है ना, इंटू अब हो गया तो क्या बच्चों 6 इंटू 10 टू पावर, तुमने क्या बोल दिया, अगर देखो भूलने वाली 10 सर ऑप्शन है। ओके अब देखो क्या, अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल फॉर्म में कैसे करते हैं, देखो अब देखो 2 × 2 × 2 कितना होता होगा बच्चों, ये होगा आपका 8 आ जाएगा, और आपका √2 × √2 × √2 कितना होगा बच्चों, ये होगा 2 क्या अबाउट होगा 2√2, तो क्या ऐसा है बच्चों, ऐसा करोगे आप, ऐसा बोलोगे दैट इज 8 × 2√2 कितना आ गया, ये आ गया आपका 16√2, ये आ गया आपका 16√2, तो इसको मिटाओ, देखो यहाँ पे 16√2 और यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा इंटू 10⁻³। अब देखो अब ये पावर को सॉल्व करो क्या बचोगा, -30 + √2 कितना है बच्चों, इसको मिटाओ और यहाँ पे लिखो -7 इंटू 6 हो गया, एल पार्ट हो गया। अब देखो ये पावर को ऊपर के जाओ तो कैसे ऐसा बनेगा बच्चों, 3 × 10⁻⁷ इक्वल टू 4 × m/16√2 × 6 सॉल्व करो, क्या देखो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे आपका 10⁻⁷ था, कैसा होगा बच्चों सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका -4 यस सर -4 आ गया। अब देखो अभी तक मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, तो जितना हो सकता सिंप्लीफाई करो, और हाँ इस टाइप को जो क्वेश्चन बच्चों कहाँ पर कब करें बच्चों, ये करें अपना एंड में, आप इसको हमेशा एंड में करना, स्टार्टिंग में कभी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व मत करना, आप वो क्वेश्चन ट्राई करें बच्चों जो आपका ओरली इजी हो जाए, ठीक है, ये आ गया। अब देखो सिंपलीफाई करते कैसे करेंगे बच्चों, एम इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁴ इंटू 16√2 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 4 × 1 = 4 6 × 4 = 6 × 24 6 × 24 × 9 ठीक है। अब देखो फॉर द सेक ऑफ मैं देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैलकुलेटर में, दैट इज 2 × 216 × 1.41 तो मेरा ये आंसर है, दैट इज 305 समथिंग मेरा आंसर आ रहा है। देखो बच्चों जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो, अपने हाथ से सिंप्लीफाई करो, तो जे डब्ल्यू है आपको खुद से करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे, yes, तो क्या आंसर है बच्चों, मेरा आंसर आ रहा था 304.56 × 10⁻⁴, यही आंसर आ जाएगा, सिंपल आया ना, सिंपल yes, sir. तो देखो बच्चों देखो सिंपल yes, सी बात है, सिंपल सी बात है बच्चों, देखो आपको जितना हो सके उतना सिंपलीफाई करना है ना, सारे बच्चे ध्यान रखो, साहिल टीना गीतांश नैन्सी yes, जितने बच्चे आप हमें पास हम दिख रहे प्रशु आयुष yes, ऐसे आपको प्रॉपरली करना है सॉल्व, और हार्ड नहीं है, यस सर। ओके अब बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था बच्चों, वहां से ना आप है ना दो क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर दोगे, देखो ये आपका क्या ये फॉर्मूला है, दैट इज A2B3 आपका फॉर्मूला है, आपको ये बोला गया बच्चों कौन सा आपका एससीपी लैटिस में जाएगा और कौन सा आपका टेट्राहेड्रल वर्ड में जाएगा, ये पूछा गया। तो मैंने आपको पहले ट्रिक बताया था, पहले आप खुद एक बार ट्राई करो फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, कम ऑन ट्राई करिए और मुझे इसका आंसर बताइए, कम ऑन।
ट्राई कीजिए, मुझे इसका आंसर बताइए। कमांड हरी बोल रहे बी, ओके हरी बोल रहे बी, एक बार उसको टेस्ट करते हैं। बाकी सारे बच्चे भी ट्राई कीजिए जल्दी बच्चों, कम ऑन, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो कीजिए बच्चा। नैन्सी का भी ऑप्शन बी आया, ओके ओके बी बोल रहे हो। अब देखो इसका ट्रिक क्या था, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इसका ट्रिक ये बताया था, सॉरी मैंने आपको ट्रिक ये बताया था बच्चों। देखो अब देखो, जैसे अगर मैं ऐसा देता हूँ NaCl, तो ये कैसा ऐसा बनेगा बच्चों, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, हाँ या ना बच्चों, बोला था ना? Yes, yes, sir. अब देखो जो पहले आता है वो क्या होता है बच्चों, वो क्या होगा, वो होगा आपका कटायन होगा, और बाद में क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका एनायन होगा। अब देखो कटायन कहाँ पे जाता है बच्चों, कटायन जाता है आपका वॉइड्स में, तो ये बी कहाँ पे जाएगा बच्चों, बी जाएगा आपका लैटाइस में, बी जाएगा आपका लैटाइस में जाएगा। अब देखो यहाँ बोला SCPlattice इक्वल टू ए, तो ये तो नहीं आएगा, SCPlattice क्या बोला है, बी बोला, तो ये हो सकता है। अब ये भी नहीं आएगा, या देखो या तो ऑप्शन क्या, या तो ऑप्शन मेरा आएगा बी आएगा, या तो मेरा ऑप्शन बी आएगा। अब देखो अभी हम ट्रैक करते, देखो अगर मान के चलो बी आपका जा रहा है SCPlattice में, तो आपका SCP यूनिट में कितना एटम होता है, वहां पे आपको होता है चार एटम होता है। अब मान लेते बच्चों अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं, ये क्या बोल बच्चों, ये बोला, ये बोल रहा है ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टर्टल वर्ड्स, मैंने लिखा ए, अभी आपका टर्टल वर्ड्स कितना होता है, SCP कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 8 ए इनटू कितना बच्चों बोला, ये बोला आपका 1/3, लिखो यहां पे 1/3, तो कैसा ऐसा बना बच्चों 8/3 ए, और बी बना आपका 4, इसको क्या सिंपलीफाई करो बच्चों, क्या होगा 4 1 4 2 जा, तो ऐसा बने बच्चों ए 2/3 और बी रेशियो 1 बना, इसको वो भेजो यहाँ पे, तो क्या बने ए बन गया ए टू बी बी थ्री, आप क्या बोलो, आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो थोड़ा दिमाग लगाना है कि लैटाइस में कौन सा जगह, देखो हमेशा देखें बच्चों जो आपका अनायन होते हैं वो आपका लैटाइस में रहते हैं, और जो कटे का बच्चों ये जगह आपका वॉट्स में रहता है, ये ध्यान रखना, कटायन जाएगा वॉइड में, अनायन जाएगा लैटाइस में, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे बच्चे ट्राई करेंगे बच्चों, सेम जैसे मैंने बताया सेम आपको वैसे करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले ये नैन्सी क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, नैन्सी In a face-centered cubic lattice, atom A occupies the corner positions and atom B occupies the face-centered positions. If one atom of B is missing from one of the face-centered points, the formula of the compound is? Formula क्या आएगा? वो आपको निकालना है. Formula क्या आएगा? वो निकालना है. कैसे कहें बच्चों? अब देखो क्या बोला बच्चों? ये बोला गया है आपका face-centered है. आप इसको समझ के आप ट्राई कीजिए, मैं तब तक थोड़ा वेट करता हूँ, आप है ना इसको क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कम ऑन, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, कम ऑन। सारे बच्चे इसको ट्राई कीजिए, ओके प्रिशु बोल रहे फर्स्ट, ओके ट्राई करते हैं, देखो एक बार करते हैं सर, सी सुजय बोल रहे ऑप्शन सी,
ठीक है, सोनाक्षी ने बोला ऑप्शन सी, एक बार देखते हैं कि ऑप्शन, ओके एक बोल रहे ऑप्शन बी, अंजलि बोल रहे ऑप्शन बी, फाइन बी। अरे हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बता दूंगा। अब ये लग रहा है ना आपको इजी है, देखो बताता हूँ, बहुत इजी होता है। देखो अब यहाँ पे बच्चों, देखो सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों, देखो ये पार्ट। अब देखो जब हम बात करते हैं फेस स्टेटमेंट, तो फेस स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, कितना आप क्या बोलोगे, आठ एटम होता है और आपका 1/8 से शेयरिंग हो रहा है ना, हाँ है ना, फेस स्टेटमेंट क्या होता है आपको, क्या था आठ एटम होता है और ये आपका 1/8 से शेयरिंग में जा रहा है प्लस। अब देखो छह फेज है, हर फेज में एक एटम है, तो छह फेज में छह एटम हुआ इनटू ये आपका 1/2 से शेयरिंग में, ये आपका 1/2 से शेयरिंग में जाता है। अब बोला क्या बच्चों, ये बोला ए क्या बच्चों, ये आपका ए क्या है कॉर्नर वाला पार्ट, ये आपका कॉर्नर वाला पार्ट है। अब बी क्या बच्चों, बी आपका है फेस वाला पार्ट। यस सर। अब देखो हम इसको ऐसे लिखें बच्चों, दैट इज 8 इनटू 1/8 होगा बच्चा, हाँ या ना? यस सर। ये तो वन आ जाएगा। अब देखो अब बोला बी के बारे में, अब स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, इफ वन एटम ऑफ बी, मतलब कि बी के बच्चों फेस बी, अब क्या बोला बच्चों बी क्या क्या होगा आपका, एक एटम मिसिंग है गायब है, तो क्या होगा बच्चों बी में कितना होगा बच्चों, बी में आएगा 5 एटम होगा। yes, तो फेस में एक एटम मिसिंग है, मतलब 6 था, 6 में से एक मिसिंग हो गया, तो 5 बचा। अब ये भी कैसे, ये भी होगा आपका 1/2 शेयरिंग में जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, ऐसा बना बच्चों, दैट इज ए वन बी 5/2। अब 5/2 क्या होगा बच्चों, कैसा होगा, ये होगा आपका 2.5। Yes, ये होगा आपका 2.5, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्या कह रहे बच्चों, हम कह रहे हैं हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बने बच्चा, ऐसा बनेगा दैट इज ए टू बी 5। 1 2 2 2.5 कितना ये आई, तो ऑप्शन सी इज दैट आंसर। तो मैं बोलूं बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका IMP क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करो सारे बच्चे, प्रॉपर नोट डाउन करो कि हम ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। आ रहा समझ बच्चों, देखो तो कहने की बात क्या बच्चों, देखो आपको समझना है, देखो आप देखो इतना सारा हमने क्वेश्चन किया तो आपके माइंड में आपको पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये भी आपको प्रॉपरली पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। यस सर। हैरी, सोनाक्षी, रिशु, तनिका, अंजलि, उज्जल, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है खत्म, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब बताओ सच बताओ बच्चों, क्या चैप्टर हार्ड था बताओ जरा। नो सर। कुछ चैप्टर इजी है, हमको समझना है कि कहाँ पे वर्ड्स में कहाँ पे आएगा, ऑक्टल वर्ड क्या होता है, टेटल वर्ड क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन वर्ड क्या होता है, अगर पता है तो आप कर लो। यस सर। ओके अब देखो बच्चों, यस सर। अब देखो हमने और भी क्वेश्चन बने पढ़ा बच्चों, हमने ये सब क्वेश्चन कर लिए है ना, ये क्वेश्चन में कल किया था हमने, क्वेश्चन कल किया था राइट, तो आपका एंटीफर में क्या था बच्चों, आपका नेट डायपोल होता है 0। पढ़ा था आपका डिफरेंस के बारे में। अब क्या बोला बच्चों, यहाँ बोला आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो गलत है, हमने क्या दिया बच्चों, जो आपका वैकेंसी होता है उसमें क्या था बच्चों, उसमें आपका डेंसिटी घटता है, यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ बोला आपका डेंसिटी बढ़ रहा है, तो क्या ये किसा, ये सर किसा, ये सर आपका है ट्रू स्टेटमेंट, ये आपका ट्रू है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये हमने कर लिया था। यस सर। और आगे बढ़ते बच्चों, ये भी आपका फ्रैंकल डिफर्ट के बारे में पढ़ेगा बच्चों, डिफर्ट से क्वेश्चन आ रहा है, फ्रैंकल में क्या होता है, क्या होता है, इसमें आपका वैकेंसी बनता है और आपका इंटरेस्ट में जाता है बच्चों, है ना, हमने फिगर देखा था आपका जो क्या हो रहा है बच्चों, वो आपका गायब हो जा रहा है, लेटर हट जा रहा है
और आपको खुद ही आपका इंटरसेंटर बनकर बैठ जा रहा है। लेकिन एफ सेंटर कहाँ पर, एफ सेंटर कहाँ बनता बच्चों, ये बनता आपका मेटल, ये बनता आपका मेटल एक्सिस में, ये आपका मेटल एक्सिस बन गया। और एग्जांपल क्या हो बच्चों, इसका एग्जांपल हो, इसका एग्जांपल हो आपका NaCl होगा, उसका एग्जांपल ऑप्शन सी और जी ये सी एग्जांपल। ये भी कहा पूछ बच्चों, ये पूछा गया अगेन आपका टेबल में से, क्या किसी लॉन्ग रेंज होता है? हाँ ये लॉन्ग रेंज होता है। क्या ये आइसोट्रोपिक है? नहीं, ये तो क्या होता है, ये होता है आपका एनिसोट्रोपिक, एनिसोट्रोपिक या तो एनिसोट्रोपिक। कहाँ से पूछा, टेबल से कुछ पूछा है, अमॉर्फस का सोर्स? हाँ ये सही है, ये आपका लॉन्ग टेम्परेचर भी सही है, ये हमने पढ़ा था बच्चों, हाँ है ना। तो ये सब आपके JEE के लेटेस्ट क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ा बच्चों, देखो दो सेकंड बच्चों, मैसेज आ रहा है, मैं थोड़ा रिप्लाई कर देता हूँ, मैसेज कवर करता हूँ। ओके, तो आप क्या बोलो बच्चों, आप ये बोलोगे देखो A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, यस सर, वो भी सेम नहीं है, आपका अल्फा बीटा सेम है, लेकिन आपका अल्फा गामा सेम, बीटा सेम नहीं है, तो क्या है बच्चों, क्या था ये आता आपका मोनोक्लिनिक, ये हमने देखा था, यस सर। देखो कब पूछा है, 2021 पूछा है, टेम्परेचर हाई है, दोनों में इंसुलेटर है, क्या है बच्चों आएगा, ये आएगा आपका कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। तो कहां से पूछा, ये पूछा गया अगेन आपका टेबल, टेबल सेम क्वेश्चन, बाइनरी कंपाउंड देखो, ए कहाँ पर जा रहा है बच्चों, ए जा रहा आपका SCP में, और क्या बोल रहा है, ये बोला M occupies the 2/3 of tetrad voids, M 8 × 2/3, tetrad की तो 8 होता है, और ए क्या हो रहा है, ए जा रहा आपका SCP में, मतलब 4 एटम होगा, सॉल्व करो आपका आंसर क्या है बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आएगा ना बच्चा, यस सर बी ऑप्शन। 4 1s are 4 2s are 2 2s are 4, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से, कहाँ से क्वेश्चन आया, अगेन आपका आया डेंसिटी से, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया, तो क्या करना बच्चों, तो क्या करना आप करना, पहले आप है ना उसका मॉलिक्यूल वेट निकालना, फिर क्या रहेगा बच्चों, देखो फिर क्या रहेगा, मोल निकालना, देखो ये ग्राम दे बच्चों, अब हम क्या जानते बच्चों, हम ये जानते हैं वन मोल में कितना होता बच्चों, ये होता आपका एवोगाड्रो नंबर होता है, तो इसका मास क्या होगा बच्चों, 200/m, जो भी आंसर आएगा आप उसको क्रॉस करके तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको m, आपको यहाँ पे m निकालना है, ठीक है, इससे आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ ऐसे क्वेश्चन अपने लास्ट में करना, स्टार्टिंग मत करना। अगेन क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर जो आपका फ्रैंकल और स्कॉट के दो दिखाता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, एजी एजी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एकदम सही, रेशियो ऑफ एटम पर है, देखो सिंपल रूल में एक एटम होता है एक यूनिट सेल में, यस सर, और सेटअप में दो एटम होता है यूनिट सेल में, सी ऑप्शन, इसमें 4 आता है, ऑप्शन सी, एकदम सही हो गया बच्चा, देन यस सर, फिर हम बात करते हैं क्या, yes, क्या देखो, यस सर, एक्सेल भी सेम नहीं है और आपका एक्सेल एंगल भी सारे डिफरेंट है, 90 डिग्री, ऑप्शन सी, ये भाई आपका राइट लेन, राइट लेन, राइट लेन। अब देखो यहां से क्या हो सकता है बच्चों, यहां से ना, यहां से आपको मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, तो अगेन बोलो ये टेबल आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, यस सर, ऐसा कौन सा डिफेक्ट से बच्चों, जो जहां पे कटेगा तो जो क्या क्या होता है, जो कटा का इंटरस्टिशियल में जाता है, वैकेंसी कैसे होगा, वैकेंसी तो खाली हो जाता है ना, वहां पर होता ही नहीं, यस सर, फ्रैंकल किसमें आएगा आपका, फ्रैंकल में आएगा, फ्रैंकल,
अभी हमने पढ़ा ये आपका सिस्टम। अब देखो ये सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है आपका 2023 में, सेम क्वेश्चन रिपीट, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपका रिपीट हुआ है सर। ए ऑप्शन ए बोलोगे सर? ऑप्शन ए हाँ ऑप्शन है। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा बच्चा। हाँ रोहन बच्चा क्लास खत्म हो गया, बच्चा क्लास खत्म हो गया, डोंट वरी हो गया काम। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर गुड नाइट। तो देखो बच्चे देखो तो क्या है मतलब, क्या क्वेश्चन बता दो, जो क्वेश्चन था क्या क्वेश्चन हार्ड था? नो सर, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चैप्टर आपका हो गया क्लोज। यस सर। चलो बच्चों आई गेस आपको सारे सारा पार्ट आपको हमने प्रॉपर रिवाइज भी किया, और देखो अगेन आज हमने जितना कोशिश किया बच्चों आप उसको रिपीट करना, प्रॉपर इसको रिवाइज करना। यस सर। यस सर। देखो प्रिशु, देखो प्रिशु यहां देखो यहीं से क्वेश्चन आया था प्रिशु, है ना? देख लो अवतार टिनिका वेदी सारे सारे बच्चे साहिल सारे बच्चे देखो ये क्वेश्चन पूछ। यस सर। यस सर। ओके चलो बच्चों आई गेस आपको क्लास से बहुत मजा होगा और आया होगा, और आशीष ने काफी। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय सर। बाय सर।